ज अप गाइड कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप लोग अपने अपने घर में बिल्कुल ठीक एंड सेफ हो गए का शॉर्ट टर्म रिव्यू शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहा हूं मेरे दो से तीन महीने हो चुके हैं इसको खरीदे हुए इनफैक्ट शायद चार पांच महीने हो चुके हैं बट फिर भी मैं शॉर्ट टर्म रिव्यू इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा ये मानना है कि हाउस होल्ड अपलायसेज के मामले में जैसे कि टीवी हो गया फ्रिज हो गया ए सी हो गया इन सब के मामले में ना जब इनका वारंटी पीरियड खत्म हो जाता है ना इनका असली रिव्यू तब

और ये सर्टिफाइड टीवी है जिसके अंदर एंड्रॉइड 8.0 पॉइंट है उसके अलावा इसके अंदर एक प्रोसेसर है, जो है, A53, 64 चिप है वो और अंदर माली डी आर इसके अंदर पॉइंट फाइव जीबी की रैम भी है एंड सिक्सटीन जीबी की इन बिल्ड मेमोरी भी है इसके पिक्चर की एस्पेक्ट रेशो है और इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो है फोर के थर्टी एट फोर्टी बाई ट्वेंटी एंड इसके पैनल का जो रिफ्रेश

है जो कलर प्रोडक्शन है और वो बहुत डीप है एंड सिमिलरली कर ले पाता हूं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है तो ये तो गई फोर के की बात अब बात करते हैं इसके दूसरे हाईलाइटिंग फीचर के बारे में और वो है एच डी आर टेन सपोर्ट जी हाँ ये टीवी एच डी आर टेन सपोर्ट करता है बट ये एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में मैं बोलूंगा मैं मतलब कि मेरे को इतना डिफरेंस नोटिसेबल नहीं लगता इसके अंदर टी बी एच ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एच डी आर खासकर इस टीवी में एक ऐसा फीचर है जिसके बिना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रोइन हो जाता बस मुझे इतना लगता है कि जो कलर प्रोफाइल है ना वो चेंज हुई है एंड इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एच डी आर का नोटिसेबल डिफरेंस देखने के लिए आपके जो टीवी की या फिर मॉनिटर की ब्राइटनेस है वो एटलीस्ट थाउजेंड निट्स होनी चाहिए बट इस टीवी की जो ब्राइटनेस है वो थ्री फिफ्टी निट्स है the moving And अब बात करते हैं इसके दो कॉन्स के बारे में जी हाँ एंड ये दो चीजें आई थिंक गेमर्स के लिए ज्यादा मैटर करेंगी बजाय एक कॉमन यूजर के एंड सबसे पहली चीज है एच डी की एप्सेंज जी हाँ इसके अंदर जो तीन एच डी एम पोर्ट्स है वो सारे के सारे एच डी एम आई टू पॉइंट एच डी एम आई टू पॉइंट ओ पोर्ट्स होने का मतलब ये है कि आप जब फोर के रेजोल्यूशन पे कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो जो मैक्सिमम फ्रेम रेट्स अचीव कर पाओगे इस टीवी के अंदर वो होंगे सिक्सटी हज यानी कि आप वन ट्वेंटी एफ पी एस की सपोज गेम्स खेल रहे हो तो आपका टीवी मैक्सिमम सिक्सटी एफ पी एस तक ही उसको डिस्प्ले कर पाएगा

गेमिंग कंसोल्स को आप एक कैपेबल टीवी के साथ पेयर ना कर पाओ तो खासकर वो लोग जो मुझे कमेंट सेक्शन में करके काफी बार पूछ रहे थे कि भाई प्ले स्टेशन 5 के लिए एक टीवी बताओ और आपका टीवी प्ले स्टेशन 5 के लिए आप रिकमेंड करोगे या नहीं तो भाई मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा एटलीस्ट वो वाला टीवी जरूर लेना जिसके अंदर 2.1 HDMI हो अदरवाइज वो वाले टीवीज जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ HDMI 2.0 है उनको आप Xbox सीरीज X या फिर प्ले स्टेशन के साथ पेयर करने के लिए मत सोचना सो मूविंग ऑन जो नेक्स्ट कमी है इसके अंदर वो खासकर वो लोग समझ पाएंगे जिनके पास OLED स्क्रीन वाले फोन्स है एंड यस yes, काफी लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं स्क्रीन बर्निंग के बारे में एंड स्क्रीन बर्निंग को ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देता हूं कि सपोज आप कोई भी वॉलपेपर या कोई भी इमेज अगर बहुत ज्यादा देर तक अपने फोन या फिर अपनी स्क्रीन पर लगा के रखते हो एंड जब आप उस वॉलपेपर को हटाते भी हो तब भी आप हल्की-हल्की सी उसकी जो परछाई है अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो उसकी परछाई या फिर उसकी इमेज आपको दिखती रहती है उसको रिमूव करने के बाद प्लीज मुझे एक बार ही कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने भी कभी अपने टीवी में स्क्रीन बर्न का इशू फेस किया है या फिर नहीं

उसकी जो क्वालिटी है ना यार वो पूरी प्लास्टिक की है और बिल्कुल भी प्रीमियम फील नहीं होता ऑल दो वेट तो है थोड़ा सा इसमें बट फिर भी जैसे ही आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना तो इसके पीछे ऑल भी दो भी आप एप्स को लोड कर सकते हो बट फिर भी ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है एंड जो मैंने इसके अंदर एमेजोन प्राइम वीडियो की एप डाली है वो पूरी तरीके से सपोर्ट भी नहीं करती है तो कॉन्स की लिस्ट तो देखो बस छोटी सी थी अब अगर प्रोस की बात करें सबसे पहले तो अगर बात करूँ पिक्चर क्वालिटी की जैसे कि मैंने बताया फोर के रहा बहुत अच्छा रहा है एंड उसके अलावा जो इसका साउंड आउटपुट है ना भाई इसके ट्वेंटी से भाई लाजवाब लाजवाब लिटरली बस एक बात है कि अगर आप वो वाली बेबी हो जिसको बेस पसंद है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दें स्पीकर बिकॉज जो इनके अंदर पंच है वो थोड़ा सा ये लैक करते हैं एंड बेस इतना सॉलिड नहीं है अदरवाइज मैं अगर इसकी साउंड को फुल भी कर दूंगा तो भी साउंड जो है वो फटती नहीं है और क्रिस्टल क्लियर रहती है एंड ऑब्वियसली ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है यानी कि टोटली सर्टिफाइड एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है तो थोड़े से उसके फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आप छोटी मोटी गेम्स इजीली एन्जॉय कर सकते हो कुछ गेम्स आपको ये नोटिफिकेशन देंगे कि आपको अलग से गेम पैड लगाना पड़ेगा गेम्स एन्जॉय करने के लिए बट थैंक्स टू द ब्लूटूथ रिमोट जो उसके साथ मिला है यही वाला जो मैं अभी दिखा रहा था इसके थ्रू भी टीवी यही समझता है कि ये गेम पैड है एंड जो बेसिक सी गेम्स है ना जैसे क्रॉसी रोड हो गई और जिनमें सिर्फ लेफ्ट राइट अप डाउन के कंट्रोल चाहिए तो उनको आप इजिली इसी वाले रिमोट से खेल सकते हो एंड इसके अंदर क्रोमकास्ट बिल्ट इन है तो मैं अपने इड या फिर आईफोन से कोई मीडिया कंजम्पन ऐप अगर इस पर कास्ट करना चाहते हो तो वो मैं इजिली कर सकता हूं एंड थैंक्स टू इट्स हार्डवेयर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के कि इसकी जो स्पेफिकेशन है उसमें एक अच्छा प्रोसेसर कोर प्रोसेसर एक अच्छा जीपीओ और अच्छी खासी रैम भी दी हुई है टू की डी डी रैम तो वो सब मिल करना इसका जो एंड्रॉड एक्सपीरियंस है उसको भी काफी स्मूथ बना देते हैं ऑब्वियसली आप अपने एंड्रॉइड फोन से तो कंपेयर नहीं कर सकते हो खासकर जो मॉडर्न फोन आ रहे हैं बजट फोन भी काफी अच्छे से ऑप्टीमाइज है एंड्रॉइड के लिए बट हाँ एक एंड्रॉड टीवी के लिए आई थिंक इसका जो एंड्रॉड एक्सपीरियंस है जो यूआई में नेविगेट करने का एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ है एंड लास्टली एक और फीचर मेंशन

नहीं है तो आप कंफर्टेबली इस टीवी के साथ जा सकते हो एंड अदरवाइज भी अगर आप सिर्फ मीडिया कंजम्पन के लिए मूवीज वगैरह देखने के लिए टीवी सीरियल देखने के लिए लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ये काफी अच्छी चॉइस है सो दिस इज इट गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही आई होप आप लोगों को यह रिव्यू पसंद आया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तो तक के लिए आदि